अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1857 की हैदराबाद। 1857 जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। हैदराबाद में इसके लीडर थे तुर्यबासना और मौलवी अलाउद्दीन। कौन थे ये लोग, आज हम जानेंगे। क्या आपने कभी ये जुमला सुना है कि बड़े तुर्रम खां मने फिरते हो? ये तेलुगु में भी एक वर्ड है तुर्रा। ये आखिर है क्या तुर्रम या फिर तुर्रा? दरअसल ये जुमला डिनोट करता है तुर्यबास खां की बहादुरी का। हम सभी ने तुर्यबास खां का नाम सुना ही होगा। इनका नाम सुनते ही सभी लोगों के जहनों में डेरिंग, शक्तिशाली, करेज वाली इमेजेस घूमने लगती है। तुर्यबास खां ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनकी ऐसी इमेज बनी? हम में से तकरीबन लोगों को मालूम होगा कि 17 जुलाई 1857 में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हैदराबाद में अटैक हुआ था। तुर्यबास खां ने ये अटैक किया था। आखिर ये अटैक इन्होंने क्यों किया, आइए जानते हैं इस इवेंट को डिटेल में। सबसे पहले हम एक कॉमन मिथ को क्लियर कर लें कि आजादी की लड़ाई किसी खास एरिया या स्टेट तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स की गुलामी से आजादी चाहता था। बट अफसोस कि हिस्टोरियन का फोकस नॉर्थ इंडिया के स्टेट में होने वाली बगावत को नोट डाउन करने तक ही सीमित रहा। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई साउथ इंडिया की तरफ से कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। साउथ इंडिया में सबसे बड़ा मूवमेंट और इवेंट जिसे आगे रोड मैप तय किया गया वो है अटैक एट ब्रिटिश रेजिडेंसी हैदराबाद। ये अटैक की वजह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है 10 मई 1857 मेरठ की। इंडियन सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में एम्प्लॉयड थे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ दीन दीन यानी मजहब मजहब के स्लोगन लगाते हुए आखिरी मुगल बादशाह हुक्मरान बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत कर दी। इसी की देख जल्द ही बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे लोग भी बगावत में शामिल हो गए। इसी रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश आर्मी जनरल ने औरंगाबाद फर्स्ट कैवेलरी को दिल्ली भेजने का फैसला किया। औरंगाबाद फर्स्ट कैवेलरी को इंडियन सिपाहियों ने जीदा खान और आमिर खान की लीडरशिप में ब्रिटिश आर्मी के फैसले की खिलाफ वर्जी की और दिल्ली जाने से मना कर दिया। इसे हुकुम की नाफरमानी समझा गया और सजा के तौर पर फर्स्ट कैवेलरी रेजिमेंट के जनरल ने कई हिंदुस्तानी सिपाहियों को गोली मार दी और इनके सिपाहियों को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। शिदा खान और उनके दोस्त शिवचरण, माधवदास, अनूप सिंह, किशन दास, लाल किशन और कादर खान जो तेलंगाना के रहने वाले थे औरंगाबाद से बचते बचाते हुए हैदराबाद को पहुंचे। जब ये खबर ब्रिटिशर्स को मालूम हुई कि औरंगाबाद से कुछ बागी सिपाही हैदराबाद को भाग गए हैं, तब ब्रिटिश हुकूमत ने निजाम ऑफ हैदराबाद जिनका ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस था हैदराबाद से इन सिपाहियों की वापसी की मांग की। इस पर 2 जुलाई 1857 को निजाम की हुकूमत ने जीदा खान उनके दोस्तों को सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया और इन्हें ब्रिटिश रेजिडेंसी अटकोटी जेल में रख दिया गया। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे हैदराबाद में फैल गई। सभी हैदराबाद के लोग गुस्से में थे और देख रहे थे कि हैदराबाद पर किस तरह से अंग्रेज काबिज होते जा रहे हैं। उसी वक्त 17 जुलाई 1857 को मौलवी अलाउद्दीन जो नलगुंडा के रहने वाले थे और वो उस वक्त मक्का मस्जिद हैदराबाद के इमाम और खतीब भी थे, उन्होंने इस गिरफ्तारी के खिलाफ जुमा में खुतबा दिया जिस पर मस्जिद में जुमा नमाज पढ़ने आए हुए लोगों ने जीदा खान और उनके साथियों की रिहाई की डिमांड करते हुए जामा मस्जिद से रेजिडेंसी की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया। मौलवी अलाउद्दीन के मुट्ठीभर प्रोटेस्टर्स के ग्रुप के साथ बेगम बाजार के रास्ते कोटी जा रहे थे। जब बेगम बाजार पहुंचे तो देखा कि रोहिल्ला के लीडर तुर्यबास खां ऑलरेडी अपने 500 रोहिल्ला साथियों के साथ मौजूद थे। वहां से वो सब कोटी की तरफ मार्च करने लगे। इन द मीन टाइम निजाम मिनिस्टर मीर तुराब अली खान ने इस खबर को किलादार मेजर डेविडसन को पहुंचा दिया। इस पर वो प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने की प्लानिंग के बजाय उन पर हमला करने की तैयारी में जुट गया जिसमें 5 तोप्स भी शामिल थे। रेजिडेंसी के दरवाजे बंद कर दिए गए। तुर्यबास खां और मौलवी अलाउद्दीन रेजिडेंसी के साउथ वेस्टर्न साइड पुतली बोली में जमा हो गए। जब इन्हें मालूम हुआ कि मेजर डेविडसन इन पर हमला करने वाला है तब पुतली बोली के करीब अब्बाहन साहेब, जय गोपाल दास ये दो साहूकार यानी मनी लैंडर के घर में इन्होंने शरण ले ली। प्रोटेस्टर्स जो लेस आम थे उन्होंने रेजिडेंसी की एक दीवार को गिरा दिया और देखा कि डेविडसन अपने वेल ट्रेन्ड मद्रास होर्स सोल्जर्स के साथ इनका इंतजार कर रहा है। अराउंड 6:30 PM को फायरिंग स्टार्ट हो गई। आमलेस होने के बावजूद भी प्रोटेस्टर्स ने रात 4 बजे तक लड़ाई को जारी रखा। सिचुएशन हाथ से ज्यादा देख मौलवी अलाउद्दीन और तुर्यबास खां दोनों सुबह सुबह गोपाल दास के घर से अपने साथियों समेत निकल गए विद द होप ऑफ कमिंग बैक विद
एडिशनल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। इसके बाद ब्रिटिशर्स के सिपाहियों ने इन दोनों अफगान साहेब और जयगोपाल दास के घरों को डिमोलिश कर दिया और तुरेबाज खां और अलाउद्दीन के प्रॉपर्टीज को भी जब्त करने का ऐलान कर दिया और इनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। ये इंसिडेंट की इंटेंसिटी या इसका इम्पैक्ट को बताते हुए हिस्टोरियन राव बी रामकृष्णा लिखते हैं, दिस एपिसोड ऑफ द अटैक ऑन द रेसिडेंसी ऑफ 17th July 1857 resulted in the prevention of fresh outbreaks in the city. However, for a period of nearly 3 years from this date, great tension prevailed in the communities of the city. By the mid of 1857, trouble had also spread to the districts. The small principality of Sholapur in the district of Gulbarga was at this time simmering with discontent and was causing anxious concern. इसके बाद तुरेबाज खां और मौलवी अलाउद्दीन के साथ क्या हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।